वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे अपने सभी, सभी दोस्तों भाइयों तक so कि ए, क्लास भी उन, सभी तक जो है वो आपकी यहाँ पर पहुंच जाए तो क्या आप सभी तैयार हो एक बार आज के इस को करने के लिए ग्रुप डी के एग्जाम में जिस प्रकार से बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं आज यू ऑलरेडी एक बार जल्दी जल्दी से मुझे यहाँ पर थम्सअप का साइन भेज दीजिए सभी जुड़ चुके हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एक बार सेशन को टेलीग्राम चैनल पर भी जल्दी से एक बार शेयर करके आएंगे ताकि जो दोस्त भाई बहन अभी तक क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं उन तक भी ये जो क्लास है वो आप लोग की पहुंच जाए चलो जल्दी जल्दी से एक बार बताओ फटाफट से गुड मॉर्निंग कैप्टन भानु गुड मॉर्निंग प्रवीण प्रदीप भास्कर चलिए सभी को गुड मॉर्निंग भैया लेट नहीं हुए हैं बिल्कुल भी चलो बढ़ते so हैं आपके आज के पहले क्वेश्चन की तरफ आपसे क्या पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से फॉलोइंग कंट्रोल ब्लड प्रेशर निम्न में से कौन रक्तचाप को नियंत्रित करता है थायराइड थाइमस है या एड्रीनल है सभी जुड़ गए हो एक बार जल्दी जल्दी से अब आंसर करना कर दो शुरू कि क्या इसका सही आंसर यहां पर हो जाएगा अविनाश दीपू भास्कर अंकित चलो ऑल राइट एंड जैसा कि आप सबको पता है भैया ग्रुप डी का एग्जाम आप लोग का चल ही रहा है और क्वेश्चन इतना ज्यादा टफ नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन आ रहे हैं मॉडरेट लेवल पे तो इसलिए पैनिक करने की घबराने की जरूरत नहीं है सब कुछ बहुत सिंपल है जस्ट दैट कि आपको अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे करनी है वेरी गुड वेरी गुड कौन सा ऐसा है जो बीपी को नियंत्रित कर रहा है तो अगर मैं बात यहाँ पर ब्लड प्रेशर की कर रही हूँ तो आपको पता है कि आपका बॉडी में एक अंग पाया जाता है जिसे हम कहते हैं थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी थायराइड ग्रंथि को क्या कहा जाता है देखो तो नाम याद रखना थर्मोस्टैंड ऑफ द बॉडी ये बेसिकली आपकी बॉडी में आपने देखा होगा कि कई लोगों के अंदर जो बीपी की समस्या रहती है वो बीपी की समस्या को नियंत्रित करने वाला एक अकेला ग्रंथि, वो दैट तो इज ये पैराथाइराइड कौन लगा रहा है देखो कुछ इस तरीके से दो लोब्स वाला आपको थायराइड दिखाई देता है ठीक है ये दो लोब्स पाए जाते हैं इसी के जस्ट विपरीत में मतलब इसी के जस्ट ऑपोजिट में कुछ उस तरीके से आपको चार लोग दिखाई देते हैं वो आपका पैरा थायराइड होता है पीटीएस जिसे आप कहते हो ठीक है पैरा थाइराइड हार्मोन इज इट ओके okay? थायराइड इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा अगला बताओ लाइफ सेविंग हार्मोन किसे कहा जाता है एड्रीनल थायराइड पिट्यूटरी ऑल ऑफ देम गुड मॉर्निंग रविराज चलो राज रवि निशांत रोहित दीपू अविनाश अब एक बार तुम लोगों ने एक काम नहीं किया है कि जल्दी से सेशन को एक बार शेयर करके आ जाओ अपने दोस्तों तक है ना तुम लोग बिल्कुल भी क्लास को शेयर वेयर नहीं करते हो फिर कहते हो कि मैम हम आपकी बात मानते हैं जल्दी से बताइए लाइफ सेविंग हार्मोन किसे कहा जाता है आवाज सबको साफ आ रही है स्क्रीन सबको विजिबल है अब जल्दी जल्दी से आंसर करना भी स्टार्ट कर दो वेरी गुड कैसे कहा जाता है एड्रीनल ग्रंथि को कहा जाता है यूजुअली जब हम बात करते हैं ना कि आपकी बॉडी में इमरजेंसी हार्मोन कौन सा है वो इमरजेंसी हार्मोन आपका एड्रीनल ग्लैंड को बोला जाता है ये आंसर क्या दे रहे हो तुम लोग चलो यूजली इसको इमरजेंसी हार्मोन एड्रीनल ग्रंथि से निकलने वाले हारमोन को आप लोग यहाँ पर कहते हो लेकिन इसके अंदर एक हार्मोन पाया जाता है एल्डोस्टर कहास्से से निकल रहा है ग्लैंड के भी बाहर वाले हिस्से से जो कि कॉर्टेक्स वाला हिस्सा आपका कहा जाता है आउटर एरिया जैसे आप कॉर्टेक्स कहते हो और अंदर वाला एरिया जैसे आप मेड्यूला कहते हो ठीक है वहां से निकलता है एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन और आउटर हिस्से से जो एल्डोस्टेरोन निकल रहा है हम बात कर रहे हैं उसकी ये क्या कहलाएगा ये आपका लाइफ सेविंग हार्मोन यहाँ पर कहलाता है बेसिकली सोडियम का जो रिटेंशन होता है वो यहाँ पर करता हुआ है इसको दे, देखने को माना जाता है सोडियम और पानी का रिटेंशन अगला बताइए Which one among the following glands is present bears in bears and human body? निम्न ग्रंथियों में से कौन सा मानव शरीर में जोड़े में मौजूद देखा जाता है? जोड़े में मौजूद यहाँ पर देखा जाता है। क्विकली करो आंसर क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ भाई सुबह हो गई है जल्दी-जल्दी बताओ मैम आप कहाँ से हो? चलो मैम स्टूडियो से हैं भैया गुड मॉर्निंग। सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। क्या होगा करेक्ट आंसर एक बार फटाफट से बताओ जल्दी जल्दी से लिवर कैसे लगा रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड इज प्रेजेंट इन पेयर इन ह्यूमन बॉडी कह रहा है कौन सा जोड़े में मौजूद है आपको पता है कि मैम लिवर हमारा अकेला है पेनक्रियाज हमारी अकेली है कुछ इस प्रकार से पत्ती जैसी हमें दिखाई देती है पीनियल ग्लैंड हमारी अकेली है लेकिन ये जो एड्रीनल ग्रंथी है ये हमारी दोनों ही किडनियों के ऊपर कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है इसको कहते हैं एड्रीनल तो ये क्या है ये जोड़े में है बाकी के तीनों क्या है बाकी के तीनों अकेले अकेले दिखाई दे रहे हैं इज दैट क्लियर टू सबको ये बात समझ में आ रही है पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बताइए जल्दी से इंसुलिन किसका राजा है इंसुलिन इज द किंग ऑफ वॉटर हॉर्मोन एंजाइम प्रोटीन या विटामिन इंसुलिन इज एन किंग ऑफ किसका राजा है भैया इंसुलिन जल्दी से बहुत बढ़िया जल्दी उसी स्पीड के साथ आंसर आने चाहिए कि मैम किसका राजा है, राजा है वो हार्मोन का राजा कहा जाता है इंजाइन का नहीं होगा प्रोटीन का नहीं होगा विटामिन का नहीं होगा इंसुलिन को हार्मोन का राजा कहा जाता है इंसुलिन बन कहाँ से रहा है आपके अग्नाशय से आपके पेनक्रियाज के अंदर पाया जाता है आइसलेट ऑफ लेंगर हैंस यानी कि लेंगर हैंस के द्वीप यहाँ से बनते हैं एल्फा के सेल यहीं से बनते हैं कुछ बीटा के सेल ये एल्फा के सेल क्या बनाते हैं ग्लूकागन बनाते हैं और बीटा के सेल बनाते हैं इंसुलिन

अच्छा ठीक है पीसिंग तो कौन सी पाई जाती है चेस्ट कैविटी के अंदर तो आपको पता है कि मैम वो हमारी पीनियल नहीं थायराइड नहीं वो हमारी थाइमस ग्रंथि होती है जो कहा जाता है ना कि बुढ़ापे में इम्यूनिटी कम हो जाती है बुढ़ापे में रोग प्रतिरोधक क्षमता लोगों की कम हो जाती है ये थाइमस ग्रंथि का ही काम है जो कि इम्यूनिटी प्रदान कर रही है क्या इम्यूनिटी प्रदान कर रही है थाइमस ग्रंथि का कार्य है और यही थाइमस ग्रंथी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इसका साइज छोटा होता चला जाता है और ये गायब हो जाती है ये धीरे धीरे करके उम्र के साथ घट जाती है इसके साइज में कमी देखी जाती है और इसीलिए हम कहते हैं कि ये जब कम हो जाएगी तो बुढ़ापे में अपने आप ही आपकी बॉडी की इम्यूनिटी जो है वो कम कहलाई जाएगी इसीलिए थाइमस ग्लैंड को यहाँ रिस्पॉन्सिबल माना जाता है अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सिक्रीशन फ्रॉम एंडोक्राइन ग्लॉन्ड कॉल जूस हॉर्मोन इंजाइन या सोल्यूशन अंतिक ग्रंथी से जो स्त्राव बन रहा है उसे क्या कहा जाता है रस हॉर्मोन एंजाइम या सोल्यूशन हाँ बिल्कुल तनु तो बिल्कुल ले सकते हो जल्दी जल्दी आप आंसर करो और एक बात बताओ यार तुम लोग मतलब सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं चीजें अगर क्लियर हो रही है ना देन तो हिट द लाइक बटन एक बार जल्दी से वो लाइक वाला बटन फटाफट

नलिका रहित आप इसे कह सकते हो ठीक है यही इसके विपरीत में मैं एक्जो बहिः स्रावी ग्रंथि की बात करूं एक्सोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करूं इनके अंदर डक्ट पाई जाती हैं क्योंकि ये वाले डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं क्योंकि यहाँ से जो भी चीज बनेगी जैसे एंजाइम बन रहे हैं जूस बन रहे हैं इनकी सेक्रेशंस को कहा जाता है एंजाइम या जूस और वो किसके द्वारा ऑर्गन तक जाते हैं वो किसी नलिका के थ्रू जाते हैं इसीलिए इनको डक्ट वाले ग्लैंड कहा जाता है और यानी कि एंड को नलिका रहित या फिर डक्टलेस ग्लैंड पर कहा जाता है इज दैट क्लियर टू ऑल और यहाँ से बन रहे हॉर्मोन इंजाइन कहाँ से बनेगा बहिस्त्री ग्रंथि से बनता हुआ दिखाई देता है आ जाओ फटाफट अगले प्रश्न पे निम्न में से कौन एक अंतस्त्री ग्रंथि नहीं है कौन सी ऐसी है जो एंडोक्राइन ग्लैंड यहाँ पर नहीं देखी जा रही है आवाज सबको साफ आ रही है जल्दी जल्दी से बताइए एक बार चलो जल्दी जल्दी से कौन सा एंडोक्राइन लैंड यहां पर नहीं होगा जल्दी क्विकली अब बहक के तुम लोग आंसर गड़बड़ मत करना है ना बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा पिट्यूटरी है एड्रिनल है है थायराइड लेकिन लिवर भैया एक प्रकार की अंत ग्रंथि यहाँ पर नहीं होगी तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर डी लिवर लिवर एक नॉर्मली आपका एक ऑर्गन है आप जिसको अंदर बॉडी बो, का जो डिटॉक्सिफिकेशन वाला कार्य है वो आप यहाँ पर देखते हैं शरीर के जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होंगे उनको बाहर निकालेगा डिटॉक्सिफाई करेगा ये बॉडी को नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दांत छह को कम करने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या शामिल है टू रिड्यूस टूथ मोस्ट टूथपेस्ट कंटेन वॉट ब्रोमाइड आयोडाइड फ्लोराइड या क्लोराइड जो कहते हैं ना कि आपके टूथपेस्ट में नमक है अब बताओ आपके टूथपेस्ट में है क्या हाँ लिवर मतलब यकृत ठीक है लिवर मतलब ये आपके पिछले प्रश्न में यकृत आ जाओ बताइए क्या आंसर होगा बी क्लोराइड अच्छा दांतों में मतलब अगर हम बात कर रहे हैं कि वो सड़े ना टूथ डिके ना हो उसी के लिए यहाँ पर क्या पाया जाता है फ्लोराइड पाया जाता है और जब इसकी अमाउंट बहुत ज्यादा हो जाती है तो फिर आपके दांतों के अंदर क्या देखने को मिलता है टूथ डिके देखने को मिलता है फ्लोरोसिस नाम की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है अब तुमसे कहा कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है तो आप क्लोराइड को ले आए तो नहीं भैया फ्लोराइड जो है वो यहाँ पर अच्छी हेल्थ के लिए देखा जाता है करेक्ट आंसर वुड बी फ्लोराइड ना कि क्लोराइड क्लियर है बात सबको आ जाओ अगले प्रश्न पे विच इज नॉट अ ग्लैंड कौन सा यहाँ पर एक ग्रंथी नहीं है थाइड लिवर पीनियल स्त्रावी ग्रंथी नहीं चलो यही बताओ कि कौन सी ग्लैंड नहीं है कौन सी यहाँ पर एक ग्लैंड नहीं है जल्दी जल्दी से कोई बात नहीं देखो गलतियां सबसे होती हैं गलतियां जो हैं वो आप कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है आवाज आ है सभी को इज इट क्लियर टू एवरी वन कौन सी यहां पर एक ग्रंथि नहीं होगी मैम आप कहा गई चलो आंसर इज है लिवर क्या है लिवर एक ऑर्गन है लिवर एक अंग है नेक्स्ट <laughs> कौन सा आपके शरीर में master gland कहा जाता है? या या फिर Pancreas, adrenal, या फिर थाएराइड? बताओ फटाफट से। अरे अब सबको दिखाई दे रहा है या नहीं कौन सा मास्टर ग्लैंड कहा जाता है तो मैम मास्टर ग्लैंड हमारा कोई और नहीं पिट्यूटरी को कहा जाता है दिस इज मास्टर क्यों क्योंकि मोस्टली जो हॉर्मोन है वो आपके यहीं से बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसका भी मास्टर ऑफ मास्टर है इसका भी एक और मास्टर है जिसे हम क्या कहते हैं इस hypothalamus को कहा जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड अच्छा सोचो जरा कि इसे मास्टर का मास्टर क्यों कहा जाएगा क्योंकि मैम ये से जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक आपका ये पिट्डी उठ रही कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करेगी कोई भी हार्मोन रिलीज नहीं करेगी जब तक ऑर्डर कहां से नहीं आएगा हाइपोथेलिमस से नहीं आएगा इसीलिए करेक्ट आंसर आप लोग का बिल्कुल सही आ जाओ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है लिवर सलाइवरी ग्लैंड पिट्यूटरी या थारॉइड पिट्यूटरी या फिर थाइड बताओ जल्दी जल्दी छोटी पूछ रहा है सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है

वो सब रिलीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं बात क्लियर हो रही है सबको तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका यहाँ पर सही हो जाएगा सी लग रहा है बहुत बढ़िया पूछे सबसे बड़ी कौन सी है तो को कहा जाता है लार्जेस्ट ग्लैंड ठीक है लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ ले तो आपका स्किन होता है और सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन आपका लिवर देखा जाएगा ठीक है फर्स्ट नंबर पे कौन है स्किन है त्वचा है नेक्स्ट क्वेश्चन द हार्ड इनेमल लेयर ऑफ टीथ इज जल्दी से बताओ जो हार्ड इनेमल लेयर होती है दांत की ये किससे मिलकर के बनी हुई है कैल्शियम फॉस्फेट की है ऑक्साइड की है हाइड्रोक्सेलेपेटाइड है या हाइड्रोक्साइड है क्या करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा हार्ड इनेमल लेयर ऑफ टीथ किसकी बनी होती है तो बहुत बढ़िया जी कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट की मोस्टली एनिमल्स में देखने को मिलती है और वैसे आप कह सकते हो कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई दिखाई देती है करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर ए ओवरऑल पूछेगा ना कि सभी एनिमल्स में कौन-कौन सी लेयर जो है वो बनी हुई है दांतों के अंदर तो आप आंसर देंगे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्वेश्चन है नॉर्मली हार्ड एनिमल लेयर किसकी कैल्शियम फॉस्फेट की आपको बनी हुई दिखाई देगी ठीक है कैल्शियम फॉस्फेट की बनी हुई दिखाई देगी ओवरऑल पूछेगा तो आंसर लगाओगे ऑप्शन नंबर सी अगला पिट्यूटरी ग्रंथि किसमें स्थित है मस्तिष्क में गले में किडनी में या फिर आपके पेनक्रियाज में या फिर आपके अग्नाशय में या फिर आपके अग्नाशय में जल्दी से बताइए और यार एक बार जल्दी से ना सेशन को शेयर करके आ जाओ जो, जिन्होंने अभी तक तक नहीं किया है अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो वो तो जोश बरकरार रहना चाहिए कि भैया मैम हमारा पेपर आने वाला है नजदीक है और पेपर आएगा सिंपल ही पिछली दोनों दिनों की शिफ्ट में जो आपका एनालाइज किया गया है पेपर इतना ज्यादा टफ लेवल नहीं रखा जाएगा और बायो क्योंकि आप लोग को लग रहा है कि बहुत ज्यादा मैम हमारी कमजोर है इसीलिए आपके बायो के सेशन जो है वो आपके रखे जा रहे हैं बाकी क्लास होगी दोपहर को बारह बजे उसको जरूर ज्वाइन कर लेना मंडे uh, से वहां पर हम लोग बेसिक जो बायोलॉजी है उसे तो सोमवार से क्या आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ है आपके मस्तिष्क में पाई जाएगी जिसे हम मास्टर को यहाँ पर कहते हैं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन इज इंजेक्टेड इन टू का क्या होता है इंजेक्ट किया जाता है आपसे कह रहा है जब गाय और भैंस दूध देती हैं उस टाइम पर कौन से हार्मोन के इंजेक्शन आप उनके अंदर लगाते हैं उनके अंदर लगते हुए दिखाई देते हैं बताइए सागर अविनाश मुकेश दीपू पप्पू ठीक है मोहम्मद फहीम प्रदीप सैम जल्दी जल्दी आंसर करो सभी कौन सा दूध देने के दौरान हार्मोन गाय और भैंसों में इंजेक्ट किया जाता है सोमैटोट्रोपिन इंटरफेरॉन ऑक्सीटोसिन या इंसुलिन ऑक्सीटोसिन या इंसुलिन क्विकली बहुत बढ़िया मैम हमारा अगर मैं इंटरफेरॉन कह भी रही हूँ ना अगर गलती से मेरा आंसर लग भी रहा है तो पहले ही मुझे याद रख लेना है कि ये एंटीवायरल प्रोटींस होते हैं जो वायरस वायरस से को ही मारने को तैयार हो जाते हैं एंटी वायरल प्रोटीन लेकिन गाय और भैंसों में जो इंजेक्शन लगता है वो ऑक्सीटोसिन का लगता है इंसुलिन शुगर कम कर रही है ऑक्सीटोसिन बेसिकली आपके कई और नामों से भी जाना जाता है जिसे हम कहते हैं लेबर हार्मोन लेबर हार्मोन लेबर हार्मोन क्यों कहा जाता है क्योंकि जब भी डिलीवरी का टाइम आता है किसी भी प्रेग्नेंट लेडी का उस टाइम पे यूट्रस में गर्भाशय में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं इसी ऑक्सीटोसिन की वजह से बॉडी के अंदर यही आपका पश्चिम पिट्यूटरी पार्ट से निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले एरिया से निकलता है और यही बॉडी के अंदर यूट्रस में कॉन्ट्रेक्शन कराने में मदद करता है इसीलिए इसको यहाँ पर लेबर हार्मोन का नाम भी दिया जाता है इसको यहाँ पर डिलीवरी हार्मोन का भी नाम दिया जाता है ठीक है और बाकी गाय और भैंसों में दूध देने के दौरान ये जो मदद कर रहा है वो भी आपका यहाँ पर देखा जाएगा तो करेक्ट आंसर वुड बी और ऑक्सीटोसिन कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल सही आंसर दिया है सभी ने इंसुलिन शुगर को कम कर रहा है ठीक है ब्लड की शुगर को पिनक्रिया से निकल के शुगर को कंट्रोल करने का कार्य यहाँ पर कर रहा है अगला बताइए कि थायराइड ग्रंथि के श्राव के लिए थायराइड ग्रंथि किस हार्मोन द्वारा सक्रिय होती है टीएसएच एफएसएच प्रोलैक्टिन या एसीटीएच बताओ

थायरोक्सिन जो बन रहा है वो इस हार्मोन की वजह से थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन क्या फुल फॉर्म है इसकी थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन आपकी थायराइड ग्रंथि से ये टीएसएच बना इसी टीएसएच ने एक्टिवेट किया और क्या बनाया थारॉक्सिन यहाँ पर बनाया स्टिमुलेटिंग ने। तो अगर आपसे पूछा किसकी मदद से बन रहा है तो आप बता सकते हैं उनके लेवल को, को यहाँ पर बढ़ाने का काम करेगा फटाफट से टीएसएस ठीक है प्रोलेक्टिन जो है आपका वो मेमोरी ग्लैंड से मिल्किंग के दौरान देखने को मिलेगा और एसी टी एच की फुल फॉर्म कई बार आई है तो इसका जो नाम है उसे याद रख लेना दैट इज एड्रीनो कॉर्टिको ट्रॉपिक हार्मोन एड्रीनो कॉल्टो ट्रॉपिक का मतलब क्या है कि आपके जो से निकलने वाले हैं उनको एक्टिवेट करने का कार्य इसका यहाँ पर देखा जाएगा जो आपकी अधिव्रत ग्रंथि के बाहरी क्षेत्र से जो आपका कोर्टिसोल बनता है एल्डोस्टेरॉन बनता है उसको यहाँ कंट्रोल करते हुए ये दिखाई देते हैं तो करेक्ट आंसर यहाँ पर अपने क्वेश्चन का हो जाएगा टीएसएच अदर देन दैट आपको चीजें जो है वो यहाँ पर याद करनी ही करनी है मस्तिष्क का वह वह भाग जो हमारे शरीर में भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित कर रहा है, वह कौन सा देखा जाएगा? अच्छा एक चीज मैं आप लोग को बता दूं, आपके सत्रह अठारह और आज की शिफ्ट में जो भी साइंस के क्वेश्चंस रहेंगे उन पर आधारित उन सभी क्वेश्चंस को अगस्त 18th अगस्त और नाइनटीन अगस्त के सभी शिफ्ट के जो प्रश्न हैं, उनके लिए के कल आपकी एक स्पेशल क्लास है उनके लिए कल आप लोगों की एक स्पेशल क्लास है दोपहर को 11 बजे से बजे तक जो मैराथन है इसमें आप सबको जुड़ना है जिसमें इन में आए हुए प्रश्नों को भी हम करेंगे और इनसे एक्सपेक्टेड जो भी क्वेश्चन होंगे उन्हें भी हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं एंड देन संडे को सुन लो पहले ध्यान से संडे को वापस से आप लोगों की सुबह नौ बजे से बारह बजे तक ये जो मैराथन है साइंस की वो आपकी रहने वाली है तो ये आपका टाइमिंग संडे का है मैराथन संडे को भी होगी तीन घंटे की और मैराथन आपकी सैटरडे को भी रहेगी बजे बजे से दो तक घंटे की तो जिन्होंने अटेंड करेंस कौन कंट्रोल कर रहा है हाइपोथेलेमस कंट्रोल कर रहा है बिल्कुल सही बात है मैम हमारी बॉडी में इमोशंस हो डर हो गुस्सा हो ठीक है ये जितनी भी फीलिंग्स होती हैं भूख हो प्यास हो या हम एंगर की बात कर रहे हैं ये सभी चीजें कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस यहाँ पर देखा जाता है बात एकदम क्लियर है मैम यहीं पर अगर एक ऑप्शन मैं आपको दे दू मान लो कि यहाँ थैलेमस की जगह लिखा है लिम्बिक सिस्टम ध्यान से देखना अगर यहां पर अंदर का ही हिस्सा है system, और यही को कंट्रोल करता है तो जब अंदर की मतलब जो एक्चुअल रीजन है वो हमारे सामने है तो करेक्ट आंसर तो मैं फिर लिम्बिक सिस्टम को लगाऊंगी ना लेकिन अगर नहीं है तो आंसर मेरा हाइपोथेलेमस यहाँ पर कहा जाएगा क्या ये बात सबको समझ में आ रही है हाँ भाई ये आ रही है कल छुट्टी रहती है मेरे अच्छा चलो तो कब लगाओगे जब लिम्बिक सिस्टम नहीं है इमोशंस वाली बात पे और अगर होगा तो आंसर आपका लिम्बिक सिस्टम ही यहाँ पर देखा जाएगा ऐसा प्रश्न ऐसी दुविधा एग्जाम में क्रिएट हो सकती है इसीलिए इसको याद रखें और भर जाए अगले प्रश्नों की तरफ पूछा गया है आपसे हार्मोन का एक उदाहरण बताइए कि एन एग्जांपल ऑफ हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन पेप्सिन या साइटोजिन इनमें से कौन सा एक प्रकार का हार्मोन देखा जा रहा है इनमें से कौन सा एक प्रकार का हार्मोन देखा जा रहा है आवाज सबको क्लियर है हार्मोन कौन सा है वो हमारा ऑक्सीटोसिन है जिसकी जस्ट अभी हमने बात करी थी ऑक्सीटोसिन इज एन हार्मोन पेप्सिन आपका प्रोटीन को बचा रहा है रनिन प्रोटीन को बचा रहा है साइटोजीन जो है वो भी हमारा यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस देखा जा रहा है तो योर करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए दैट इज ऑक्सीटोसिन एक कहानी और यहाँ पर याद रखना एक हार्मोन है जिसे हम कहते हैं पेनक्रियाज ये जो होता है ना केवल अकेला कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है ये एक्सोक्राइन भी है और ये एंडोक्राइन भी है कैसे है इसीलिए ना देखो इसको कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड पहले नाम सुन लो मिश्रित ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि

सॉरी ये ये बना बना रहे हैं। और ये आपके इंसुलिन बना रहे हैं हैं और आपके इंसुलिन ठीक है यहाँ पर ये हॉर्मोन्स को बना रहा है डायरेक्टली ब्लड में जा रहे हैं कोई भी वायर कोई सॉरी कोई भी डक यहां पर नहीं होगी अगर मैं इसकी बात करूँ कि तो भैया ये काम एक्सोक्राइन की तरह भी करता है तो एक्सोक्राइन में क्या बनता है मैम या तो जूस बनेगा और उस जूस को हम क्या कहेंगे पेनक्रियाटिक क्योंकि से बन रहा है तो जूस कहा जाएगा उसी पेनक्रियाटिक जूस में बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं क्या पाए जाते हैं एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि आपके पाचन में मदद करते हैं जैसे कि किनोजन ट्रिप्सिनोजन, ठीक ट्रिप्सिनोजन, है ये सब एंजाइम आपके खाने के पाचन में आगे चल करके मदद यहाँ पर कर रहे हैं तो ये कहानी भी तुम्हें याद रखनी है कि यहाँ पर डक्ट के साथ काम हो रहा है यहाँ पर डक्ट पाई जाएगी और यहाँ पर जो डक्ट होगी वो नहीं पाई जाएगी ये जो भी हॉर्मोन्स हैं ये डायरेक्टली कहा जा रहे हैं आपके ब्लड में जा रहे हैं सीधे तौर पर आपके ब्लड में ये चले जाएंगे जिसमें कि कुछ इस प्रकार का कार्य आपको देखने को मिलेगा अब अगर आपसे कह दे कि मिश्रित ग्रंथि कौन सी है शरीर में तो आपका आंसर क्या आएगा कि मैम हमारी मिश्रित ग्रंथि है एक नाम और आता है इस एंडो और एक्सोक्राइन को छोड़कर जिसे हम क्या कहते हैं हेट्रोक्राइन भी कहते हैं

स्कर्वी, मलेरिया टाइफाइड या एनीमिया जल्दी जल्दी से बताओ इफ वेस्ट material The of water. लो कि बहुत से हो गया प्लाज्मोडियम यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल देखा जा रहा है प्लाज्मोडियम इकट्ठा कर दिया तुमने बहुत सारे यहाँ पर पानी एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमीमोग्लोबिन की कमी लेकिन मैम ये जो टाइफाइड है ना ये साल्मोनला टाइफी नाम के बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है और यही दूषित खाने पानी से फैलने वाली बीमारी देखी जाती है सालमोनाला टाइफी इसको यहां पर करवा रहा है दूषित खाना पानी तुम गए मैम चाट पकौड़ी खाने के लिए और वहां पर बहुत ज्यादा मक्खी मच, मच्छर बहुत ज्यादा थे वहां से सालमुनाला टाइफी आएगा दूषित खाने पानी को बेसिकली जो भी आपका खुला हुआ खाना होगा उसको दूषित करेगा और उस खाने को जब आप खाओगे तो आपको प्रॉब्लम यहाँ पर होनी शुरू हो जाएगी ये आपका सालमोनाला टाइफी के द्वारा देखा जाता है और यही अगर

सेशन को शेयर नहीं किया है वो शेयर जरूर कर देना मतलब कहना क्यों पड़ता है तुमसे सेशन को शेयर कर कर देना देना like लाइक वाला बटन दबा और दूसरी चीज आपकी जो रेगुलर क्लासेस के टाइमिंग्स हैं उनको नोट no डाउन लेना आपका आठ बजे से नौ बजे तक ये क्लास डेली रहती है और दोपहर को बारह बजे से एक बजे तक आपकी क्लास रहती है इसी के साथ साथ टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन अगर डाउनलोड नहीं किए हो तो भैया आपकी टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन पर ना आपकी क्लासेस चल रही है रोज रात को नौ बजे से साढ़े नौ बजे जो कि क्लास आपकी एकदम फ्री है, कोई भी इसका नहीं है, एकदम फ्री रहता है। और आप आप आखिर आपके कितने प्रश्न जो है वो यहाँ पर सही हुए हैं क्या आपका पे स्कोर रहा है वो आप लोग इजिली कर सकते हो तो डेली रात को नाइन टू नाइन थर्टी आपकी क्लास होती है ठीक है कॉफी पीने से हाँ बहुत बीमारिया होती हैं कॉफी पीने से ना जो हड्डिया है ना वो कमजोर हो जाती है कैल्शियम की कमी हो जाती है चाय भी और कॉफी भी दोनों से ही ये दिक्कत देखने को मिलती है और जब कैंसर के ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो वहां पर कीमोथेरेपी दी जाती है आपने देखा होगा लोगों के जो बाल हैं वो झड़ने शुरू हो जाते हैं कीमोथेरेपी की वजह से क्योंकि केमिकल्स का जो यूज है जीडोवीन हो गया इन सबके यूजेस की वजह से केमिकल्स बालों पे हेयर लॉस एक सबसे बड़ा सिम्टम कैंसर में देखने को मिलता है तो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हड्डियां जो इंसान के मनुष्य के पैर में पाई जाती हैं वो कैसी होती हैं पोरस सॉलिड होलो या नन ऑफ दीज बोन्स फाउंड इन लेग ऑफ मैन करिए आंसर बहुत ही प्यारा सा कैसी हड्डी पाई जाती है पैर में बस यही पता था मैम ए ओके सभी करो एक बार जल्दी जल्दी से आंसर जिन्होंने अभी तक नहीं किया है फटाफट से

अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है इम्यूनाइजेशन टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट जोसेफ या एडवर्ड जेनर इम्यूनाइजेशन की तकनीक किसने यहाँ पर डेवलप करी थी जल्दी जल्दी से बताइए हाँ और ये जितने भी क्लास में लेट आते हैं बस उन्ही को थोड़ा सा ध्यान रखना की मैम आठ से स्टार्ट होती है ना कि साढ़े से है ना ना कि जब खत्म होने वाली होती है क्लास तब हमें जाना चाहिए चलिए गुड मॉर्निंग हो गई है हड्डियों को स्टॉक करना है आप लोग कैल्शियम का इंटेक बढ़ाइए जल्दी जल्दी से एक बार आंसर करो फटाफट से ओके okay. इम्यूनाइजेशन की तकनीक किसने यहाँ पर डेवलप करी थी लुइस फास्टर रॉबर्ट को जोसेफ लिस्टर या एडवर्ड जेनर बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है कि इम्यूनाइजेशन की ये जो इम्यूनाइेशन की साहब से करा रहे हैं भैया एडवर्ड जेनर साहब थे जिन्होंने यहाँ पर इसकी खोज करी थी सबसे पहले वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन टीकाकरण स्मॉल पॉक्स के लिए जो इन्होंने यहाँ पर बनाया था स्मॉल पॉक्स के लिए जो टीका बनाया था वो जेनर साहब ने बनाया था या लुइस फास्टर साहब ने बनाया था वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी बीमारी हवा के थ्रू फैलती है एक बार जल्दी से बताओ कौन सी बीमारी हवा के थ्रू फैलती हुई दिखाई देती है जल्दी जल्दी से मैम कौन लेट आया अरे आप ही में से हैं महारथी जो लेट आते हैं चलिए कल 11 बजे से 2 बजे तक आप की क्लास रहेगी परसों 9 बजे से 12 बजे तक स्पेशल सेशंस होंगे टाइमिंग याद रखना कल 11 बजे से 2 बजे तक फिर कहोगे कि 2 बजे आके मैम क्लास नहीं मिली क्लास खत्म हो गई है ना तो कल स्पेशल सेशन है हवा के थ्रू डेंगू फैल रहा है टीबी फैल रहा है एड्स फैल रहा है या गोइटर हो रहा है तो आपको पता है कि ये टीबी नाम की जो बीमारी है वो आपकी देखी जाती है ना तो डेंगू फैलता कि मैं हवा के थ्रू फैलता है ना एड्स की बीमारी हवा के थ्रू फैलती है और ना ही गोइटर जो आयोडीन की कमी से देखा जाता है तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अगला बताओ कि जो लेंथ होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो एप्रोक्सीमेटली कितनी देखी जाती है मनुष्य की सहायक नहर की लंबाई लगभग कितनी है 16 फीट 18 फीट 22 फीट या फिर 30 फीट या फिर 30 फीट अच्छा टेलीग्राम का जो चैनल है ना उसकी लिंक आप लोग के पास है जो भी तुम्हें तो डिस्कस करना है टेलीग्राम चैनल पे इजीली आप लोग डिस्कस कर सकते हो चलो जल्दी जल्दी से आप कर दो एक बार आंसर कोई बात नहीं जिसका आंसर गलत हो गया वो इन चीजों को लिख लेंगे और करेक्ट आंसर इज योर फीट क्योंकि एलिमेंट्री कैनाल की एक्चुअल लंबाई तीस फीट या नौ मीटर लंबी कही जाती है तीस फीट होगी या फिर नौ मीटर लंबी इसको हम यहाँ पर कह सकते हैं ठीक है थीके? बाकी आप जो कह रहे हो कि इसमें अगर हम कोई और लेंथ लगा दें उससे आंसर सही हो जाए ऐसा हो तो सकता नहीं है जो तुम कुछ भी आंसर लगा देते हो क्या होगा सही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ पोलियो इज पोलियो का कारक जीव कौन सा है? फंगस वायरस या बैक्टीरिया फटाफट पट से आंसर करो हाँ उतनी ही स्पीड के साथ जितनी स्पीड से बातें करते हो अरे टेलीग्राम का लिंक राधिका मैम टेक्स बुक आप इजीली सर्च करके ज्वाइन कर लेना वहीं पर आपको मिल जाएगा पोलियो किसके द्वारा हो रहा है तो मैम हमें पता है पोलियो वायरस है वही पोलियो का रोग कराने में कारक देखा जाता है है ना किसी फंगस से से हो रहा ये एक प्रकार के वायरस होता हुआ रोग आपको देखने को मिलता पोलियो वायरस जैसे हम यहाँ पर कहते हैं अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपियंट कौन सा ऐसा है जो ब्लड ग्रुप किसी से भी ले सकता है इतना पढूंगा तो मेरा हीमोग्लोबिन कम होने लगता है कोई बात नहीं पढ़ने से हीमोग्लोबिन बिल्कुल भी कम नहीं होगा और अगर होता है तो आयरन वाली चीजें खाओ बढ़िया तरीके से फोलिक एसिड लो अनार वनार खाओ है ना चलो जल्दी से बताओ अब यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है एग्जाम देना है तो पढ़ना तो पड़ेगा तुम बच के नहीं जा सकते बहुत लोगों को साइंस से डर है कि मैम ग्रुप डी में साइंस आएगी क्या करें कैसे करें अरे देख रहे हो तुम साइंस का लेवल कितना सिंपल आ रहा है लेकिन फिर भी वो घबराहट नहीं जाती अब कह रहा है यूनिवर्सल यूनिवर्सलियंट जो सबसे ब्लड इजीली ले सकता है एक्सेप्ट कर सकता है दैट इज बी वाले जो होते हैं वो इजीली किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं ब्लड ले सकते हैं इजीली लेकिन अगर ओ की बात करूं ये कहलाता है यूनिवर्सल डोनर ये हर किसी को ब्लड दे तो सकता है मगर ले सिर्फ अपने जैसे से ही सकता है ठीक है ब्लड अपने जैसे यानी कि ओ वाला ओ वाले से ही ब्लड इजीली एक्सेप्ट कर सकता है बाकी अगर इसको डोनेट करना होगा तो ये किसी भी ब्लड टाइप को यानी कि ए को बी को ए बी को सबको ब्लड इजीली डोनेट यहाँ पर कर सकता है तो यही कहानी थोड़ी सी हमें समझनी होती है नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन कौन सा विटामिन रक्त के जमावट के लिए आवश्यक है रक्त के थक्के जमाने के लिए ए बी ट्वेल्व के या डी विटामिन ए बी ट्वेल्व के या डी करो फटाफट से आंसर ओके, okay. जल्दी से बताएंगे कौन सा यहां पर देखा जाएगा कि रक्त के जमावट ब्लड कॉग्युलेशन के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है हाँ साइंस आनी तो है छोड़ने से अच्छा है पढ़ लो भैया पढ़ लो Yes, yes, yes. Very good. Vitamin K, हाँ पर देखा जाएगा यही प्रश्न आया भी था लगभग है ना। बहुत सारे questions ऐसे हैं हैं जो तुम्हें इतने लग जाते लेकिन होते नहीं है फाइलो अच्छा, क्यूनोन यहाँ पर एक प्रश्न संभावित रहता है फाइलो क्यूनोन इसे हम विटामिन के वन भी कह देते हैं कभी कभी क्योंकि के टू और के थ्री के भी नाम आते हैं तो विटामिन के थ्री है आपका मेना और K3 कहलाता है मेना डायोन ठीक है तो अगर ये नाम आ जाए तो घबरा मत जाना कि ये क्या आ गया जीवन में क्या नया हो गया K इज फाइलोक्यूरोन K1 वन इज मेनाक्यूरोन और K3 थ्री इज योर मेना डायोन तो ऐसे भी नाम और विटामिन K का मुख्य काम बेसिकली ब्लड क्लॉटिंग में होता है और जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं सभी ग्रीन वेजिटेबल्स में आपको विटामिन के मिलेगा चाहे उनमें हरा कलर हो वो हरी पत्तेदार सब्जियां हो गोभी हो गया पत्ता गोभी है ब्रोकली है जितनी भी ग्रीन लीफी है। उन सब में, के बहुत में पाया जाता है करेक्ट आप, आंसर आपका हो जाएगा अगला कौन सा विटामिन पानी में मुलनशील है और जनरली यूरिन के थ्रू बॉडी से बॉडी से और गाइज अभी तक आप लोग अगर तैयारी कर रहे हो और आप लोगों ने टेक्स्ट बुक का जो पास है वो अवेल नहीं किया है तो ये सबसे बड़ी गलती हो जाएगी जीवन में है ना तो टेक्स्ट बुक का पास जो है उसको जरूर ले लेना क्योंकि मॉक टेस्ट हमें लगाने हैं मैम और मॉक टेस्ट के थ्रू हम अपने स्कोर को पता कर सकते हैं और साथ साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिन्होंने पहले से लगाते आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है जो नहीं लगा पाए है ना वो ये काम जरूर कर लें कि मॉक टेस्ट को लगाना स्टार्ट कर दें ताकि आप लोगों के जितने भी प्रश्न हैं उसके थ्रू आपको अपनी गलतियां भी पता चले और आप अपने स्कोर को एनालाइज करके अपनी रैंक प्रेडिक्ट यहाँ पर इजीली कर सकते हैं नेक्स्ट थिंग अगर मैं आपको कहूँ कि भैया यहाँ पर डिस्काउंट भी आपको अवेल हो सकता है अगर आप कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो आलरेडी पास आपको यहाँ पर डिस्काउंट जो है इस फीस में इजिली मिल जाएगा बहुत बढ़िया पानी में गुलनशील है और एक्सक्रीट हो रहा है यूरिन के अंदर पूरे कोरोना के टाइम पर आप लोगों से डॉक्टर ने क्या कहा था कौन सा विटामिन लेना है विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही क्या है हमारे पानी में घुलनशील है अब तुम्हें अगर क्वेश्चन का सेकंड पार्ट तो तुम बाद में पढ़ोगे तुमने पहले ही पढ़ा मैम वाटर सोल्यूबल आंखें गई यहाँ पे कौन सा है अकेला वाटर सोल्यूबल ऑप्शन नंबर तो तुम्हें क्या कहीं और आगे पढ़ने की जरूरत थी ना तो ये है ना ये है ना ये है कीड़ा कहाँ आता है फैट सोल्यूबल में आपका आंसर क्या हो जाएगा विटामिन सी पानी में घुलनशील है फिर आगे का पढ़ो समझो कि भैया यहाँ पर ये बॉडी से एक्सक्रीट आउट इजिली हो जाता है जो लिमसी की टैबलेट आप लोगों ने खाई होंगी विटामिन सी की गोलियां कीड़ा इज फैट सोल्यूबल वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एक वयस्क मानव का सामान्य रक्तचाप कितना देखा जाता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन इज 120 बाय 80 एमएम mm एचजी 6 160 बाय 95 130 बाय 90 80 अपॉन 120 चलो सबके कमेंट्स जो है वो शो हो रहे हैं एक बार जल्दी-जल्दी से आंसर पे ध्यान से बहुत बढ़िया नॉर्मल बीपी की बात कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा वन ट्वेंटी अपॉन एट्टी हो जाएगा एक सौ बीस क्या होता है सिस्टोलिक और अस्सी नीचे का क्या होता है डायस्टोलिक अब जो तुम लोग आम भाषा में कह देते हो ना ऊपर का बीपी और नीचे का बीपी ऐसा नहीं कि ऊपर वाला सर का और नीचे वाला पैर का होता है ये ऊपर वाला कहा जाता है सिस्टोलिक और नीचे वाला होता है डाइस्टोलिक सिस्टोल मतलब जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है हार्ट के अंदर जो ब्लड है वो फिल्ड है डाइस्टोल मतलब जब हार्ट ने सारा ब्लड आपका फेंक दिया है ये

नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से किसे अश्रु ग्रंथि कहा जाता है आंसू ग्रंथि किसे कहा जाता है लेक्रिमल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड थायराइड ग्लैंड या पेनक्रियाज और इस क्वेश्चन को रखते हैं आज के होमवर्क क्वेश्चन में आई रियली होप कि आप लोगों के यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कराए हैं वो काफी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे स्कोर बढ़िया रहा होगा और जो गलतियां करी हैं उसे लिख भी लिया होगा कि हमने गलत यहाँ पर

आप लोग को ये लिंक और चैनल जो है राधिका जो पीडीएफ होमवर्क क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा ये रही आपकी टेलीग्राम की लिंक तब तक के लिए अपना ध्यान रखें मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में दोपहर को 12 बजे टिल देन टेक केयर बाय जय हिंद जय जा भारत